तो आज का हमारा टॉपिक है रिबन ब्लाइंडर। ओके, रिबन ब्लाइंडर होता क्या है, वर्क कैसे करता है, हम देखेंगे रिबन ब्लाइंडर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए रिबन ब्लाइंडर किस चीज़ से मिलकर बना होता है। देखिए रिबन हेलिकल रिबन्स होता है, ये हेलिकल रिबन्स होते हैं। अब बेयरिंग पर सपोर्टेड होता है, शाफ्ट होता है जो इसको रोटेट कराता है, मोटर जो इसको पावर देता है, इनलेट और आउटलेट होता है जहाँ से हम इनलेट से हम फीड करते हैं और आउटलेट से सॉरी डिस्चार्ज से हम इसको निकालते हैं या फिर आउटलेट बोलते हैं। ओके, अब इनेबल कवर लैम्प या इसको मेंटेनेंस और फिर क्लीनिंग प्रोवाइड करता है। ओके, देखिए क्या होता है इसमें, इसकी जो पावर रेंज होती है 3 to 12 kW होती है पर मीटर स्क्वायर। ठीक, इसकी जो पावर होती है और इसका जो वैल्यूम होता है जिसको हम फीड करना हो तो 40 to 70% इसमें हम फीड करते हैं, इसको पूरा नहीं फीड करते हैं, 40 to 70% इसमें फीड करते हैं। ओके, और जो होमोजीनियस मिक्सर मतलब कि जिसके सेम फेज वाले होते हैं उन्हें 15 से 20 मिनट के अंदर सेम दिखने लगते हैं वो। ठीक, आइए चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए रिबन ब्लाइंडर एक हॉरिजॉन्टल तथा यू शेप का हेलिकल रिबन एजिटेटर रोटर मोटर गियर बॉक्स बियरिंग एक्सेट्रा से मिलकर बना होता है। एजिटेटर शाफ्ट कैजिंग के सेंटर में होता है, इसमें एक ही शाफ्ट पर दो रिबन माउंटेड होते हैं, एक का मूविंग स्लोली इन वन डायरेक्शन एंड दूसरे का मूविंग क्विकली इन अदर डायरेक्शन होता है। रिबर के आउटर एज्ड और इनलेट के बीच के गैप 3 to 6 mm होता है। समांतर रिबन ब्लाइंडर की पावर रेंज 3 to 12 kW पर मीटर स्क्वायर होती है। देखिए आउटर एज और इनलेट के बीच का जो गैप होता है 3 to 6 mm होता है, मतलब कि यहाँ पे जो गैप होता है 3 to 6 mm होता है। ओके, यहाँ पे देखिए जिस भी मटेरियल को ब्लाइंडिंग करनी होती है कैजिंग के टॉप से पर स्थित फीड हॉपर से इंटर कराते हैं, फीड मटेरियल कैजिंग के फुट वैल्यूम के 40 to 70% होता है। इनलेट कवर ब्लाइंडर को मेंटेनेंस और क्लीनिंग प्रोवाइड करता है। ब्लाइंडिंग के ऑपरेशन के दौरान आउटर रिबन ब्लाइंडर के एंड से सेंटर तक मूव करता है, मतलब कि जो ब्लाइंडिंग वाला मूव करता है वो मतलब कि सेंटर से एंड तक मूव करता है। होमोजीनियस ब्लाइंडिंग को जल्दी से ब्लाइंडिंग करता है, समांतर 15 से 20% ब्लाइंडिंग 15 से 20 मिनट में स्टार्टिंग से 90 to 95% ब्लाइंडिंग समान दिखने लगते हैं। ब्लाइंडिंग के बाद मटेरियल को बॉटम से डिस्चार्ज कर लिया जाता है। रिबन ब्लाइंडर को बैच वाइज और कंटिन्यूस ये याद रखिए, कंटिन्यूस दोनों प्रकार से यूज़ किया जाता है, खास करके इसको ड्राई मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, मटेरियल फॉर रिबन ब्लाइंडिंग एब्रेसिव मटेरियल, फेस पाउडर, केमिकल, जिप्सन, PVC कंपाउंड, ड्राई पाउडर। रिबन ब्लाइंडर इज यूज हाई विस्कस लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है और ड्राई मटेरियल के लिए, और ड्राई मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। अगला टॉपिक देखते हैं भी ब्लाइंडर होगा। ओके, तो रिबन ब्लाइंडर एक बार और आप देख लीजिए, देखिए जब ये मूव करता है तो चलिए हम इसका आपको GIF भी दिखा देते हैं। थैंक यू सो मच।